पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के पहले उसने अपने बड़े पुत्र हुमायूं को बुलाया। बाबर के कितने पुत्र थे? चार। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, चार गो बाबर के पुत्र थे। बाबर ने अपने बड़े पुत्र हुमायूं को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो, हमारे मरने के बाद तुम तो राजा बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ साथ तुम अपने भाइयों के साथ पुत्रवत व्यवहार करना। पुत्रवत व्यवहार करने का मतलब हुआ कि एक भाई भाई से बेईमानी करेगा, लेकिन एक पिता पुत्र से कौना पुत्र से बेईमानी करेगा? चार गो पुत्र है तो चारों तो उसका अपना ही है। तो ये कहा था क्या कि अब तुम अपने भाइयों के साथ पुत्रवत व्यवहार करना और साम्राज्य को बराबर बराबर भागों में बांट देना। हुमायूं ने ठीक वैसे ही किया। बाबर के मरने के बाद साम्राज्य को चार बराबर भागों में, चारों भाइयों में बांट दिया, जो हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हुमायूं ने तो पिता के कथन अनुसार पुत्रवत व्यवहार किया, लेकिन भाइयों ने इसका जब विपत्ति आया तो साथ नहीं दिया, जिसके कारण हुमायूं को 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। बाबर के मरने के बाद अगला शासक कौन बना? हुमायूं। हुमायूं जो है यह शासक कब बना? 1530 ईस्वी में, और 1530 से लेकर के यह 1540 ईस्वी तक सुल्तान रहा। और उसके बाद जो है इसको शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया, शेरशाह सूरी ने, जिसके बाद यह 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। और 1555 में फिर से यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा। 1556 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसका दो गो कार्यकाल रहा, है एगो 1530 से 1540 और एगो 1555 से 1556। तो बाबर के मरने के बाद सुल्तान कौन बना? हुमायूं। बाबर के चार गो पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं जो है सुल्तान बना, और बाबर के कथन अनुसार इसने किया क्या कि अपने भाइयों में साम्राज्य को बराबर बराबर बांट दिया। इसका एगो चचेरा भाई था जिसका नाम था मिर्जा सुलेमान, उसको भी साम्राज्य का हिस्सा दिया, जो बाबर के, जो हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी। इसके शासनकाल में एक चित्तौड़ की राजकुमारी थी, चित्तौड़ की जो राजकुमारी थी ये थी कर्णवती। चित्तौड़ की राजकुमारी जो थी ये कर्णवती थी। कर्णवती जो थी ये गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात का शासक था जिसका नाम बहादुर शाह था। बहादुर शाहवा के अत्याचार से कर्णवती जो है बहुत प्रभावित थी। इसके कारण ये की क्या कर्णवती, हुमायूं के पास पत्र लिखी और उस पत्र में एगो राखी डाल के भेजी। अब यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, सबसे पवित्र त्यौहार होता है, उसमें बहन जो है भाई के कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा की वचन भाई देता है कि हम रक्षा करेंगे। अब इस राखी का मतलब जो है ये हुमायूं समझ रहा था। जब ये राखी दी तो इस चीज़ का मतलब समझ गया कि इसको कर्णवती को क्या चाहिए, मदद चाहिए, क्योंकि चिट्ठी में लिखा भी था। अब जो है ना हुमायूं सेना लेकर के कहाँ बढ़ा? चित्तौड़ की। अब उस क्रम में उड़ीसा के कालिंजर का शासक था, कालिंजर, ये कालिंजर के शासक जो था प्रताप रुद्रदेव, ये जब सेना लेकर के हुमायूं चित्तौड़ की ओर चला बहादुर साहब से युद्ध करने के लिए, तब तक बीच में प्रताप रुद्रवा से भेंट हो गया। अब प्रताप रुद्रदेव में और हुमायूं में युद्ध हुआ तो इस युद्ध के कारण जो है हुमायूं को चित्तौड़ पहुंचने में लेट हो गया, जिसके कारण बहादुर शाह के अत्याचार से प्रभावित होकर के रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया। रानी कर्णवती ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया, जिसमें आप लोगों को बताए थे कि राजस्थान की जो राजपूत महिलाएं राजपूत शासिका होती थी, जब उनके पति युद्ध में जाते थे तो ये चिता सजा करके रखती थी, और युद्ध में मारे जाते तो इस स्वेच्छा से क्या कर लेती थी? जौहर कर लेती थी। अब इस क्रम में हुमायूं तो मदद के लिए गया, लेकिन प्रताप रुद्रदेवा के कारण पहुँचने में लेट हो गया, चूँकि रास्ते में इससे युद्ध हो गया। अब युद्ध होने के कारण जो है ये कर्णवती जो थी ये क्या कर ली? जौहर कर। तो कर्णवती ने पत्र व्यवहार के साथ साथ एक राखी भी किसको भेजा था? हुमायूं। ठीक है, ये हुमायूं जो है ये अपने जीवन काल में जो पहला युद्ध लड़ा था वो था पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में आप लोगों को बताए थे कि ये बाबर के साथ युद्ध में भाग लिया था। यह इसके जीवन का कौन सा युद्ध था? पहला युद्ध था।
इसके बाद बाबर हुमायूं ने अपने जीवन काल में जो पहला शासक बनने के बाद युद्ध किया वो था कालिंजर के विरुद्ध। 1531 में बाबर ने कहाँ आक्रमण किया? कालिंजर पर। और कालिंजर को जो है यहाँ के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। इनको युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद किससे सामना हुआ? बहादुर शाह से। तो 1532 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया और बहादुर शाह को क्या किया? बहादुर शाह को भी पराजित कर दिया। किसने? हुमायूं। हुमायूं ने बहादुर शाह को भी पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद कुछ समय के बाद बहादुर शाह जो है फिर से क्या किया? वहाँ पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1536 में पुनः यहाँ पर आक्रमण किया और इस बार जो है पूर्ण रूप से इसको क्या किया? जीत लिया। गुजरात को पूर्ण रूप से हुमायूं ने जीत लिया। इसके बाद हुमायूं ने 1532 ईस्वी में जौनपुर पर आक्रमण किया। जौनपुर का जो शासक था ना, ये था मुहम्मद शाह, मुहम्मद शाह लोदी। ये अफगानी था। मुहम्मद शाह लोदी जो था ये क्या था? अफगानी था। 1532 में कहाँ आक्रमण किया? जौनपुर में। जौनपुर का शासक कौन था? मोहम्मद शाह लोदी। ये अफगानी था। इसके विरुद्ध 1532 में ही आक्रमण किया और मोहम्मद शाह के लोदी के बीच देहरिया का युद्ध किसके बीच? हुमायूं और मोहम्मद शाह के बीच। मोहम्मद लोदी, ये लोदी वंश का था। हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को क्या किया? पराजित कर दिया। इसके बाद हुमायूं ने 1532 में ही चुनार पर घेरा डाला। चुनार पर, उस समय चुनार का जो किला था यह शेरशाह सूरी के अधीन था। चुनार का किला शेरशाह सूरी के अधीन था। शेरशाह सूरिया के बारे में आप लोगों को हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, जब हुमायूं को कंप्लीट पढ़ा देंगे। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने इसको पराजित कर दिया। उसके बाद 40 में बक्सर बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसको कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता है। उस युद्ध में पराजित कर दिया, जिसके बाद ये 15 साल तक निर्वासित जीवन जिए थे। तो आगे हम लोग जानेंगे। 1532 में कहाँ आक्रमण किया? चुनार के किला पर। अब चुनार का किला किसके अधीन था? शेर खां के अधीन था। ठीक है, शेर खानवा का बचपन का नाम था फरीद खां। तो फरीद खानवा को हम लोग जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे लोग, अभी बताएंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो शेर चुनार का किला किसके अधीन था? शेर खां के अधीन था चुनार का किला। चुनार के किला पर 1532 में हुमायूं आक्रमण किया। अब चुनार का किला अंदर से बहुत ही सुरक्षित था। हुमायूं यहाँ तक लगभग 4 माह तक डेरा डाले रहा। बाद में अंदर का जब रसद सप्लाई उप्लाई खत्म हो गया, तब जो है शेर शाह सूरिया ने इसके पास संधि पत्र भेजा संधि के लिए। अब संधि के लिए जब निमंत्रण भेजा तो ये हुमायूं किया क्या कि इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। हुमायूं इस निमंत्रण को, संधि के निमंत्रण को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और पुनः चुनार का किला जो है शेर खान के अधीन छोड़ दिया और कहा का कि अब जो है ना चुनार ये मुगल साम्राज्य के अधीन रहेगा, लेकिन यह किला तुम्हारे पास ही रहेगा और तुम नियमित रूप से टैक्स भेजना। शेर खान वह भीतरे ना एकदम पूरा अंदर से क्रोधित था। इसके मन में था, शेर खान वह बचपन से ही बहुत ही मन संघर्षपूर्ण जीवन जिया था। यह घरेलू माने बर्ताव के कारण इसके पिता की 2 शादी हुई थी, एगो संतान था, दूसरी माता से ये संतान था। घरेलू कलह के कारण यह बाबर के सेना में भी काम किया था। इसके घर की स्थिति खराब होने के कारण यह बाबर की सेना में भी काम किया था। बाबर के साथ भी युद्ध लड़ा था, लेकिन जब बाबर के साथ युद्ध लड़ा था उस समय मन ही मन सोचा था क्या कि आज दिन भले खराब है तुम्हारे साथ है, लेकिन जिस दिन बरियार होगा ना यहाँ से मार के भगैबो करेंगे हम ही। शेर खान वही बचपने से अपना मन में प्लान कर रहा था, लेकिन समय उसका साथ नहीं दे रहा था। अब शेर खानवा को फिर से क्या किया? हुमायूं जो है संधि के लिए बाध्य कर दिया। 4 महीना डेरा डाले। अब संधि तो हो गया, संधि के बाद चुनार का किला शेर खान के अधीन भी रहा। हुमायूं के जीवन की एक और बड़ी ये गलती हो गई।
कि इसने शेर खान को पराजित नहीं किया। शेर खानवा तो यहाँ हार गया, और हारने के बाद संधि के तहत शेर खान का एगो बेटा था, बेटे बवा का नाम था कुतुब खां। ये हुमायूं कहा क्या कि यह तुम्हारा जो पुत्र है ना, यह मुगल दरबार में रहेगा, इसको हम उच्च मनसब देंगे, मतलब वेतन देंगे, बढ़िया वेतन देंगे, लेकिन अगर तुम है ने कुछ गलती सही किया ना तो है ने बेटवा के। शेर खानवा फिर कहा कि ठीक है ले जा बेटवा के, कोनो बात नहीं है, लेकिन जहिया दिन हमार बदलल तो वो दिन तो तुम्हें बुझब। शेर खानवा मने मने को चोट करके फिर रह गया। 1537 ईस्वी में शेर खानवा क्या किया, 1537 में कि एगो अचानक हमला किया बंगाल पर और पूरे बंगाल को जीत लिया। पूरे बंगाल को क्या किया, जीत लिया। और जीत लिया तो ये बात मालूम किसको चला, हुमायूं को, क्या रे शेर खानवा को अब के हम यहाँ छोड़े थे, बंगाल जीत लिया। अभी हुमायूं जो है बहुत बड़ी सेना लेकर के पहुंचा बंगाल, बंगाल गया शेर खानवा। जब बंगाल गए तो वहां से शेर खानवा जो है ना सब छोड़ छाड़ के वापस आ गया, वो बंगाल में अभियान करने गया, आसानी से बंगाल को क्या किया, जीत लिया। और बंगाल का नाम बदल के इसने रख दिया जन्नताबाद, जन्नताबाद। तो बंगाल का नाम बदल के इसने क्या रखा, जन्नताबाद। अब जो है उधर से शेर खानवा पूरा जब जीत लिया हुमायूं तो उधर से वापस लौट रहा था, ऐसा ही लौट रहा था हम लोगों का आरा बक्सर होकर के, बक्सर होकर के लौट रहा था। बक्सर के पास जो है एगो चौसा का मैदान था, शेरो खानवा तो इंतजारे में था, आपको बताए हैं कि बाबर के सेना में ही काम किया था, उस समय भी मन में इसके कचोट करके रह गया कि भले आज दिन खराब है काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मौका मिला ना भारत से भगैबो करेंगे। और शेर खानवा अफगानी था, फिर यहाँ जो है हुमायूं पराजित कर दिए चुनार के किला में, फिर मन में कचोट करके रह गया। इसका बेटा जो था कुतुब खानवा, कुतुब खानवा मुगल दरबार में था, फिर कचोट करके रह गया। जब बंगाल अभियान में गया, जब उधर से वापस आ रहे थे तब शेर खानवा कहा कि रुको तार हम उपाय करते। ये रास्ते में क्या किया कि जब वापस लौट रहे थे पूरा रोडे कोरवा दिया। अब रोड जब कोरा गया सेना पार करेगी ना, अब इधर से बंगाल से लौट रहे हैं इनकी सेना, रास्ते में जितना रोड है, हम मान लीजिए ये रोड है, रोडवा को शेर खानवा क्या किया, कोरवा दिया। और कोरवा करके उधर से बंगाल से आ रहे थे, यहाँ इनकी सेना रुक गई कि भाई क्या बात बा, आहेने ही अपना सेना खड़ा कर दिया शेर खानवा। अब वो हुमायूं फेरा में पड़ गए कि भाई हेने रोड कोरा है, पार करेंगे तब ना युद्ध लड़ेंगे, हेने शेर खानवा के सेना है। तीर धनुष को लेकर के शेर खानवा पूरा पेड़ पर चढ़ा दिया अपने सेना को, आ कहा कि कुछ कर लो बरखावे के काम शुरू तीर। अब बाबर की सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तोप। अब ये अपने साथ तोप लेकर के गया था। दूसर का बाबर के सेना में ये तीरंदाज जो होते हैं ना बहुत भयंकर, और हुमायूं के सेना में तो मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, उसका तोप और उसके तीरंदाज। उस समय का जो तीर होता था धनुष बहुत बड़ा बड़ा होता था, जमीन पर ऐसे टेक करके तब चलाया जाता था, बड़ा बड़ा तीर होता था। इधर से हुमायूं के शेर सावा के सेना, इधर हुमायूं के सेना, अभी सेना आमने सामने खड़ा रहले रह गई। वो देखते 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 शाम हो गया, आ शाम होने के बाद ना कहता है लोग कि किसी के लिए कुछ विशेष समय चलता है, संजोग से उसी समय बारिश होने लगा, बारिश होने लगा। तो उस बारिश के कारण अब मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत थी तोप, तोप जमीन पर रख करके चलाया जाता था, घींच करके उसमें गोला भरा जाता था। बारिश के कारण जमीन नीचे का हो गया दल दल, और सारा गोला क्या हो गया, फ्यूज। अब तो गोला चलेगा नहीं, पानी में भीग गया तो। दूसरा धनुष जमीन पर टेक के चलाता था लो, अब वो धनुष जो है जमीन पर टेका, जमीन है दल दल, वो धनुष निशाना लगा रहे हैं, कहीं निशाना जा रहा है कहीं। आ जैसे शाम अंधेरा हुआ कि नहीं, या बारिश जैसे शुरू हुआ कि नहीं, शेर खानवा कहा अपने सेना से आक्रमण। अब वो सब तीर बरखाना शुरू किया, अंधाधुंध तीर चलाया सब, एकदम अंधाधुंध तीर। बाबर के सेना, हुमायूं के सेना में अफरा तफरी मच गई एकदम। हुमायूं को लगा कि भाई जान बचा के क्यों यहाँ से भागवा ना, तो मारिए देगा हमको। हुमायूं जो है घोड़ा पर बैठ के जान बचा के भागे, ओकरा कुछ लोक रहा है, घोड़ा ले ले घुस गया यमुना नदी में, सॉरी गंगा नदी में है, यहाँ गंगा नदी में घोड़ा ले ले घुस गया गंगा नदी में। अब उसको तैरने नहीं आता था हुमायूं को, अब वो तैरने नहीं आता था, आ घोड़ा में किया कि ना, अब घोड़ा ऊपर से गिर गया, अभी लग रहा भुलुक भुलुक वही में डूब रहा था। अब वही रात में एगो मलाह मछली मार रहा था, मलाह जिसको कहा जाता है भिस्ती, वो भिस्ती जो है रात में मछली मार रहा था, देखा का कि वो तो कोनो डूबता उन्हें पानी में, वो भिस्तिया जो है तैरते तैरते वहाँ गया, आ मुड़िया चुड़किया धकेंगे टांगा, रे
रात के कहा मरे आगे रे, तो कहा कि हम हुमायूं है, तो कहा कि हुमायूं में जो कपार है रात के अलबर मुए हुमायूं है, कहा कि सुनो हमको नदी पार करवा दो और जौन तुम मांगेगा ना हम तुमको तौन देंगे, तो जो जो पहले अपन दिन देख बाद में हमरा के दिए। और उसको नदिया क्या किया कि भिस्तिया क्या किया, गंगा नदी को पार करके वो पार पहुंचा दिया, और पहुंचा दिया केहूँ केहूँ भाग करके पहुंचे दिल्ली। अब शेर शाह सूर्या तो इन्हें बतेबे किए थे कि बाबरे के सेना से क्रोध में घूम रहा था, शेर खानवा कहा कि ना एंग ना हो, एक बिना मोहले छोड़े ना जान हम, अभी जो भिस्तिया इसको बचा करके रखा था उस भिस्तिया जो है भिस्तिया से कहा कि तुम जौन मांगेगा तौन देंगे, तो भिस्तिया कहा कि पहले अपन दिन देखना हमारा के बाद में दी है। अभी आगे बिलग्राम का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध उसको कहा जाता है या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध, ठीक है। इस कन्नौज के युद्ध जो है 1540 में हुआ, 1540 में कन्नौज में फिर से ऐसा सूर्य घेरा किसको, हुमायूं को, और फिर इनको बुरी तरीके से पराजित किया। अब हुमायूं को समझ में आ गया कि अब हम एको मिनट रुकेंगे ना तो शेर शाह सूर्य मार देगा हमको। अभी जो है डरे भाग करके गया सिंध, सिंध भाग करके चल गया काबुल। शेर शाह सूर्य जो है आगरा पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपना राज्य अभिषेक करवाया और नाम अपना रखा क्या, शेर शाह सूरी, सूर वंश का था। और दिल्ली पर एक नए साम्राज्य की स्थापना हो गई 1540 में, क्या नाम था, सूरी वंश। और सूरी वंश का संस्थापक कौन था, शेर शाह सूरी। कब किया, 1540 में, 1540 से लेके 1555 तक इस पर ही रहा। तो हम लोग शेर शाह सूर्या को आगे पढ़ेंगे लो, अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं लो, हुमायूं को। तो हुमायूं को पहले देखा जाए, अब हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित कर दिया, हुमायूं को समझ में आ गया कि बाप रे बाप, ना जान बचा के भागल जीते तो मुआइए दी। अब वो जान बचा करके सिंध गए, सिंध में गए, सिंध के बाद हिंदाल गया, हिंदाल के वहाँ पर एक गुरु थे जिनका नाम था सिया मीर बाबा, सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, मीर अली, इधर इसको मिटाएं, मीर अली अकबर जामी, अकबर जामी, इनके पास गया, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे, इनके पास गया, कुछ अध्यात्म की ज्ञान लिया। और इन्हीं मीर अली अकबर जामी की एगो पुत्री थी, पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम, एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम इसकी पुत्री थी। हमीदा बानो बेगम से अकबर हुमायूं ने क्या किया, 1541 में विवाह कर लिया, विवाह का मतलब निकाह कर लिया, किससे, हमीदा बानो बेगम से। अब निकाह उस समय तो निर्वासन जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब निकाह हो गया तो इसी हमीदा बानो बेगम से 1542 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम क्या रखा गया, अकबर। अकबर का जो नाम अकबर रखा गया है वो अकबर कहाँ से लिया गया है, इसके गुरु नहीं, इसके नाना मीर अली अकबर जानी, ठीक है। तो इसी से एक जन्म हुआ बच्चे का जिसका नाम क्या था, अकबर, जो आगे चल करके भारत का महान सम्राट बना। ये हमीदा बानो बेगम जिस समय गर्भवती थी उस समय ये तो हुमायूं किया किया कि अमरकोट के एगो राजा थे, अमरकोट के राजा थे, पाकिस्तान में पड़ता है ये अमरकोट, अमरकोट के राजा थे जिनका नाम था बीरसाल, अमरकोट के राजा बीरसाल, उन्हीं के महल में ये क्या किया कि अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को छोड़ दिया और छोड़ करके अपने कहाँ चल गया, काबुल चल गया। और इसी हमीदा बानो बेगम से बीरसाल के महल में ही, राणा बीरसाल के महल में ही अकबर का जन्म हुआ। और अकबर का जन्म हुआ तो अकबर की माँ थी बाबूजी, तो उस समय इसका था नहीं, तो भाग करके कहाँ चला गया, काबुल चला गया। बाद में जब अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में, 1542 में अकबर का जन्म हुआ और ये चल गया कहाँ, काबुल। काबुल जब चल गया वहाँ पर, काबुल में 15 साल अपना जीवन व्यतीत किया। काबुल में इसका एगो मित्र बना, मित्रवा का नाम था बैरम खान, बैरम खान वह मित्र था। और उस काबुल के में उसके बाद एक बार आए ससुराल में घूमने, ससुराल का मतलब कहाँ, हिंदाल, हिंदाल में घूमने आए तो सास गरम गरम रोटी बना के दे रही थी, तो रोटियाँ खूब फूलल था, तो बाबरवा जो है सॉरी हुमायूं अंगूरिया लेके हिंगा फूर, अब भाई से हाथवा जरा, तो सास कही क्या कि बीच में फोड़िएगा तो क्या होगा, हाथ ना जरेगा, साइड से तुर के खाइए,
तो एक और दिमाग खुल गया, कहा कि ओ अगर दिल्ली को जीतना है तो दिल्ली पर आक्रमण मत करिए, किनारे किनारे से जीतते हुए तब कहाँ पहुँचिए, दिल्ली। इसका तनी सा वहाँ पर दिमाग खुला। उसके बाद किया क्या,